गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक जो चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको मेथड्स ऑफ एज पेमेंट का, है ना, उसमें ये फर्स्ट मेथड हो चुका था खालसे का, है ना। मेथड्स ही चल रहे थे, मेथड्स ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। तो फर्स्ट प्लान हो चुका था खालसे प्लान, जिसमें आपको ये बताया था कि जितना टाइम वो काम करेंगे उतने की वेजेस तो मिलेगी ही, लेकिन अगर वो टाइम सेव कर लेते हैं तो जितना टाइम उन्होंने सेव किया उसकी उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिल जाएगी, है ना। तो उसमें जो बोनस दिया जाता है, जितना टाइम उन्होंने बचाया वो आपको 40 to 100% मतलब जितना बोनस वो कहेंगे बताया जाएगा कि 40% से उनको जो है वो बोनस दिया जाता है। तो कुछ परसेंट इसमें एम्प्लॉय को मिलता है और कुछ परसेंट एम्प्लॉयर को मिल जाता है। तो इस प्लान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगता है कि जितना भी टाइम बचा वो उनकी वजह से बचा तो उनको 100% मिलना चाहिए, है ना, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है। आप देखिए, सेकंड प्लान जो आता है वो है रोवन प्रीमियम प्लान। ये प्लान आया था 1901 में, जेम्स रोवन ने ये प्लान दिया था, और ये भी उसी तरीके से हाल से जैसा ही प्लान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर भी जो उनके स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग तो उनको वेजेस मिलेगी ही, है ना। उसके अलावा जितना टाइम वो सेव करेंगे एम्प्लॉयज़, उस टाइम का उनको प्रोपोर्शनेट बोनस दिया जाएगा, है ना। जैसे कोई काम 8 घंटे में होना था लेकिन वो हुआ 6 घंटे में, तो 2 घंटे उन्होंने बचाए कितने घंटे में से, 8 में से, तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोपोर्शनेट वो निकाल कर फिर उनको बोनस दिया जाएगा, है ना। तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए ये जो रोवन है, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनेट दिया जा रहा है, तो वो जो ड्रॉबैक हालसे में था उसको इसने दूर किया। अब इसके देखो मेरिट्स क्या हैं कि जो मिनिमम वेजेस है वो तो मिलेगी ही, है ना, जो 8 घंटे की उनको वेजेस मिलनी है वो तो मिलेगी ही। इससे जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि मतलब वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग भी उनको मिलेगा। और दूसरा, फिर वो काम करने में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपनी एफिशिएंसी दिखानी है और काम की क्वालिटी के ऊपर वो ध्यान देते हैं। और इसमें जो एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉई वर्कर्स को, एम्प्लॉयर को, दोनों पार्टीज़ को जो है वो इससे एडवांटेज होता है, और मशीनों को भी सही ढंग से यूटिलाइज़ किया जाता है। आप देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोपोर्शनेट वाली बात जो है वो इजीली बहुत क्लियर नहीं होती कि हाउ प्रीमियम या हाउ बोनस विल बी कैलकुलेटेड। और इसमें प्रीमियम का जो अमाउंट निकालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किस तरीके से निकाला जाएगा। तो इसलिए जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मतलब उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रीमियम है वो प्रोपोर्शनेट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉयर के पास भी जाती है, है ना। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्लान है वो आता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो 1880 में F.W. टेलर ने दिया था। इसका जो मेन पर्पस है वो यही था कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूज़ करें, मशीनों को भी पूरा यूज़ करें, और जो जैसे पिछले वाले प्लान में भी था कि कुछ बोनस का अमाउंट किसको मिलता है, एम्प्लॉयर को, कुछ एम्प्लॉय को, तो उस कटौती के भय को भी दूर करना इसका मेन पर्पस था, है ना। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने 2 वेज रेट फिक्स करे टेलर ने, कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि अच्छा काम करेंगे, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, है ना, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि आपको कम से कम इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी यूनिट से ऊपर जो बनाएगा उसके लिए वेज रेट अलग होगा, इतनी यूनिट से नीचे जो बनाएगा उसके लिए वेज रेट अलग होगा, है ना। तो इससे जो वर्कर्स हैं वो उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड जो आपका वर्क है वो कितना है, 20 यूनिट्स, कि 20 यूनिट्स तक अगर आप काम करते हैं तब तो नॉर्मल से मिलेगा, लेकिन 20 से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपका जो वेज रेट होगा वो कितना होगा, 2 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 20 क्रॉस करते ही आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर आप 20 से कम करते हैं तो आपका जो वेज रेट है वो कितना होगा, 1.50 पर यूनिट, है ना। देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 16 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी, 16 यूनिट, तो 20 से कम हो गया तो रेट हो जाएगा 16 × 1.50, लेकिन अगर कोई 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लेता है, स्टैंडर्ड पूरा कर लेता है, 20 या 20 से ज़्यादा करता है, तो उसका रेट हो जाएगा ₹2, है ना, तो उसको 40 रुपीज़ की वेजेस मिलेगी। तो टेलर यही बताता है कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एफिशिएंट है उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो इस प्लान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की प्रेरणा मिलती है ना, तो वो बढ़ चढ़ कर काम में भाग लेते हैं।
और जो एफिशिएंट नहीं है एम्प्लॉयज़, जो अकुशल कर्मचारी हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनको हटाने में भी हेल्प मिलती है। तो इसमें जो है वो क्योंकि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उसको उसकी सराहनीय की, उनकी प्रशंसा की जाती है ना, तो इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी भी ले सकते हैं। अब ड्रॉबैक इसका भी वही होगा कि इसमें मिनिमम वेजेस की कोई गारंटी नहीं है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंग है। अगर वर्कर ने टाइम तो डिवोट किया लेकिन किसी भी यूनिट का मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो वो वेजेस नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उसको इंसान नहीं समझा, क्या समझा, मशीन, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसलिए आपको ज़्यादा वेजेस मिलेगी। और वर्ग भेद को भी की बायसनेस होती है यहाँ पर भी, और कोशिश की जाती है कि जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनको ज़्यादा वेजेस दी जाए, है ना। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी होता है एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो मेथड है वो आता है एमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। ये जो एमर्सन है ये हैरिंगटन एमर्सन पर्सन है जिन्होंने इस प्लान को दिया था कि हाउ वेजेस शुड बी कैलकुलेटेड। तो इनका ये मानना है कि अगर जो एम्प्लॉय है, जो भी आपने टारगेट सेट किया, स्टैंडर्ड वर्क आपका इतना होना चाहिए, अगर वो 90% से 100% तक काम कर लेता है, मतलब 90% भी अचीव कर लेता है, तो उसको बोनस मिलता है 20% का, है ना, 20% उसको वेजेस के अलावा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो रेमुनरेशन है वो 66 से 90% तक होता है तो उसको बोनस मिलेगा 10%। लेकिन अगर 66% से कम का वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनको नॉर्मल वेज रेट से वेजेस दी जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो प्लान है एमर्सन का वो ये मानते हैं कि 66% या उससे कम वाला जो है वो क्या है, नॉर्मल प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर नॉर्मल वेज रेट से दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो उनको 10% या 20% उनको बोनस मिलेगा। तो ये प्लान थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है और उनकी एफिशिएंसी मतलब बढ़ती है इससे, कोशिश करते हैं वो भी, एफर्ट करते हैं कि वो टारगेट को पूरा करें, बट मिनिमम वेजेस उनको मिलती ही है ना, मिनिमम जो वेज रेट है वो उनको दिया जाता है, चाहे वो 66% काम करें या उससे कम। तो ये कुछ मोटिवेशन उनको मिलता है कि वो अच्छा बढ़ चढ़ कर काम करें। आप देखो इसके ड्रॉबैक क्या हैं कि जो ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं वो इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर 100% से कम, मतलब 90 to 100% से कम पर अगर वो काम करते हैं तो उनको जो है वो बोनस नहीं मिलता, है ना। और इस योजना में 100% जब मिल जाता है तब भी बोनस ही कहते हैं, 20% बहुत कम है, मतलब ये और ज़्यादा चाहते हैं। और इसी तरह से जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उनको बोनस तो नहीं मिलेगा लेकिन मिनिमम वेजेस उनको मिल जाएगी। तो ये पढ़ना, बाकी फिर हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।